मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। मैं फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो को लेके, जहाँ मैं आप लोगों को कल लेके आया था वहाँ पे आज एकदम से देखे थे आप लोग, एकदम सूखा था। और आज यहाँ पे धारा चल रही है और पानी का रफ्तार बहुत ही तेज। ये प्रकृति हो चाहे सरकार, इसमें बर्बाद होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गरीब। और सरकार मैंने इसलिए कहा है, चाहे कोई भी सरकार हो, वो लूटते हैं तो गरीब को ही लूटते हैं। और प्रकृति का तो नज़ारा आप लोग देख ही रहे हैं, कैसे गरीब ही यहाँ भी लूटे जा रहे हैं, बर्बाद हो जा रहे हैं, खेती बर्बाद हो जाती है। और बता दें भैया, जैसे ये हर साल त्यौहार ना आवेला, वैसे ही बढ़ियो हर साल आवत है। और आजकल त्यौहार और बाढ़ में कौन अंतर खास रहना गया। और आप लोग देख रहे हैं, प्रकृति की बात मैंने इसलिए किया है, देख लीजिए ये परवल लगाया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे पूरी की पूरी ये खेती, जितनी भी हो, ये पूरी की पूरी परवल की खेती जो है, इसमें देखिए पानी भर गया है। अब ये पूरी तरह से नुकसान, और पानी जाने की वजह से ये सड़ जाएगा, गल जाएगा, और यहाँ पे घाटा किसको होगा? किसान को। और यहाँ पे देखिए ये अरहर की खेती है जिसमें पानी भर गया है, और यह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी पानी जाने की वजह से। और यहाँ पे देखिए यह मर्चा लगाया गया है, मिर्च की खेती की गई है जो अभी हाल ही में लगाया गया था, और जिसमें पानी भर गया है। अब किसान करे तो क्या करे, कहाँ जाए वो? सरकार किसानों को लूटने के चक्कर में पड़ी हुई है, और ये जो प्रकृति है, प्रकृति भी किसानों के पीछे पड़ी हुई है हाथ धो के। अब किसानों के पास क्या सहारा है जीने के लिए, कहाँ जाएं? ये देख सकते हैं आप कैसे लोगों के घरों में से होते हुए ये पानी कैसे ज़बरदस्त रूप ले चुका है यहाँ पे। और यहाँ तक कि यहाँ के लोगों को कहीं भी जाने के लिए, रहने के लिए, कहीं भी कोई भी ठिकाना नहीं है। अगर अभी बारिश आ जाए यहाँ पे बाढ़ के मौसम में, बाढ़ के समय में अगर बारिश आ जाए तो घर में तो पानी भरा रहेगा, बाहर अगर कहीं ऊंचे स्थान पर चले भी जाते हैं तो वहाँ पे करे तो क्या करें, ये लोग कैसे रहेंगे? उसी तरह बारिश में भींगते हुए, धूप में सूखते हुए किसी तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं ये लोग। पानी ना था, पानी आवत कहाँ? आप देख रहे हैं हाल ये हो गया है, जिस नाव को रहना चाहिए नदी में वो आज घर के दरवाजे पे आके खड़ी है। यही तो है बाढ़ का हाल। और ये देख लीजिए, यहाँ पे ये गाय माता जो हैं
पानी में खड़ी होकर खा रही हैं। अब यह अगर पानी का स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो अभी हम लोग यहाँ पे जिस तरह से टहल रहे हैं यहाँ पे लगभग कमर से ऊपर पानी हो जाएगा। तो बताइए मैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के यहाँ ज़रूर आऊँगा और यहाँ का पूरा लोकेशन और हो रही हलचल को आप लोगों को दिखाऊँगा। और हमारा नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त पानी आ रहा है। मैं बता दूँ यह गंगा नदी का पानी है जो एक विशाल बाढ़ का रूप ले रहा है और जिसके कारण गांव वाले अपना घर छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं कल का पूरा डिटेल आप लोगों के यहाँ ज़रूर पहुंचाऊंगा। इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं।